इंडोर सेटिंग की बात करें तो इंडोर सेटिंग जो है बहुत आसान है। वहाँ जो है सारी जिम्मेदारियाँ जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर वाले ने जो है उठानी होती हैं, उनकी प्रॉपर टीम जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसने अपने जो है जुम्मे लेनी होती हैं। कब तक? जब तक जो है पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हो जाता। डिस्चार्ज होने से पहले पहले जो है तमाम तर जिम्मेदारियाँ उनकी ट्रेनिंग की, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन की, उनकी फिजिकल हेल्थ की, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ की जो है जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। और जो है जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो जो है ये जिम्मेदारियां फैमिली को उठानी पड़ती हैं। लेकिन फैमिली ये समझते हैं कि ये एक बोझ है जिम्मेदारियों का, और अब ये इंसान, ये शख्स खुद बड़ा हो गया तो हम नहीं उठा सकते। इसको खुद समझ आनी चाहिए कि ये जो कर रहा है ये इसके लिए सही है या गलत है। रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो है एक कॉन्सेप्ट भी ये भी है कि पेशेंट को दाखिल करवा दिया है और जो है अब इसने जब घर आना है तो मुकम्मल ठीक होके आना है। हालांकि ऐसा नहीं है। दाखिले के बाद असली जो है उसका एक रिकवरी पाथवे स्टार्ट होता है, या रिकवरी का एक रास्ता जो है उसके लिए बनता है, जिसके ऊपर जो है पेशेंट ने अपने आप को मेंटेन करना होता है, या मेंटेनेंस फेज जिसे कहते हैं वो स्टार्ट होना पड़ता है। तो ऐसा है कि जब जो है पेशेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर से डिस्चार्ज होता है तो इलाज के वो तरीकाकार जो उसने सीखे होते हैं इलाजगाह के अंदर, उनको अब इम्प्लीमेंट करने की बारी होती है। ये अकेली जिम्मेदारी पेशेंट की नहीं है, पेशेंट के साथ फैमिली की भी होती है कि दौरान इलाज फैमिली ने कौन कौन सी कमिटमेंट साइकोलॉजिस्ट के साथ और पेशेंट के साथ की, किन किन चीजों को जो है सराहा और किन किन चीजों से जो है इनकार किया, क्या क्या जो है बातें हुई, किस तरह हुई और क्या क्या प्लान जो है बने। अब उन प्लान के ऊपर जो है खुद और पेशेंट को जो है एक पैरेलल लाइन के ऊपर रखते हुए आगे एक रिकवरी फेज के अंदर जाना होता है, ताकि मरीज जो है वो दोबारा रिलैप्स में ना जाए। रिकवरी जो है बेसिकली मरीज को रिलैप्स में जाने से बचाती है। सादा अल्फाज में कहूं तो मरीज को दोबारा नशा करने से बचाती है। हमारे यहाँ पे जो है फेलियर ये होता है कि जो है जो एक जिम्मेदारियों का बर्डन जो है फैमिली ने उठाना होता है ना, वो बागी हो जाती हैं उठाने से, वो मुकर जाती हैं, वो पीछे हट जाती हैं। जितनी कॉन्शियस फैमिली जो है वो दौराने ट्रीटमेंट होती हैं, वहां से जो है हर चीज जो है उसके लिए करने के लिए तैयार होती है कि हम आपके लिए ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज होता है, कौन सी जिम्मेदारियां, कौन सी बातें, क्या हो गया, कोई बात नहीं, हमारा लाल, हमारा प्यारा, हमारा बेटा जो है ठीक हो गया, अब जो है आपने जैसे करना है हमने वैसे ही करना है, वहां रिकवरी जो है नहीं हो पाती, वहां रिलैप्स होता है। बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं कि हम जो है, या हमने जो है अपने प्यारे का इलाज करवाया और हमारा प्यारा दोबारा नशे की तरफ चला गया। तो नशे की तरफ जाने के पीछे एक वजह ये भी होती है कि रिकवरी पाथवे के ऊपर जो है पेशेंट नहीं चल पाता, या जो है उसे चलाया नहीं जाता। तो क्या फायदा ऐसे जो है रिहैब का, या रिहैब करवाने का, कि आप जो है उसको प्रॉपर जो है एक मेंटेनेंस फेज को या रिकवरी फेज को जो है मेंटेन नहीं कर पाए। इस तरह तो आपका जो है ट्रीटमेंट वो वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है और बहुत सारी चीजें आप वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने इंडोर सेटिंग में इसका ट्रीटमेंट करवा लिया है तो आप एक रिकवरी फेज के ऊपर भी आ जाएंगे, मेंटेनेंस फेज के ऊपर भी आ जाएंगे। वो चीजें, वो जिम्मेदारियां, वो टास्क, वो गोल, वो प्लान, उनके ऊपर अमल करें जो आप दौरान इलाज जो है मरीज के साथ और साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है मिलकर बैठकर कोलैबोरेटिवली अप्रोच के साथ जो है बनाए थे, और उन प्लान्स को जो है फॉलो करते रहें, ताकि जो है मरीज रिकवरी प्लान को जो है फॉलो करते हुए इन चीजों से बच सके और दोबारा नशे की तरफ ना जाए।